हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को बुलाते हैं, कोटा में फंसे हुए छात्रों को उनके प्रदेशों में भेजते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये मजदूर, इन्होंने क्या गुनाह किया है? इनका गुनाह यह है कि ये रिक्शा चलाते हैं, इनका गुनाह यह है कि ये किसी के घर में मजदूरी करते हैं, ये गुनाह है। इसकी वजह से आप इनको मरने के लिए छोड़ देंगे? बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद आप उनके घर भेजने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? कि पूरे देश में चारों तरफ से इस तरह की दर्दनाक, हृदय विदारक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। कभी रेल की पटरियों पे 16 लोगों की जान चली जा रही है, कहीं ट्रक से कुचल के मुजफ्फरनगर में 6 लोगों की जान चली गई, आज पता चल रहा है सागर मध्य प्रदेश के अंदर 4 लोगों की जान चली गई ट्रक से कुचलकर। ये जो औरैया वाला हादसा हुआ है, इसने पूरी एक व्यवस्था की क्रूर तस्वीर हम लोगों के सामने कर दिया है। और अगर इसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से संवेदन शून्य होकर बैठी रहती है, संवेदनहीन होकर बेपरवाह रहती है, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो भगवान भरोसे मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है। इतनी घटनाएं होने के बावजूद क्या सिर्फ इन लोगों को भेजने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही? अपने आप को इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार कहती है, और ये सरकार मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम नहीं कर पा रही। और ये समस्या आज से नहीं है, लॉकडाउन की शुरुआत जब से हुई थी तब से ये प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बेचैन है, बेताब है, परेशान है, पैदल 1200 किलोमीटर के लिए निकल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अटैची पे सोते हुए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां उनकी माँ उनको घसीटते हुए ले जा रही है, चल नहीं पा रही है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैर से विकलांग है तब भी अपनी पत्नी को बैठा के एक पैर से साइकिल चला के लेके जा रहा है। ये दृश्य, ये हृदय विदारक दृश्य, क्या ये दिख नहीं रहा है सरकार क्या करना चाहती है? एक छोटा सा काम है सरकार के लिए, 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की रेलवे की क्षमता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, 2 करोड़ यात्री प्रतिदिन, 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता रेलवे की है। आप क्या इन मजदूरों को एक दिन में उनके घर नहीं पहुंचा सकते? कभी 300 ट्रेन चलाएंगे, कभी 15 ट्रेन चलाएंगे, कभी कहेंगे बसें चला दो, कभी ये कभी वो, क्यों आखिर? आप हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को बुलाते हैं, कोटा में फंसे हुए छात्रों को उनके प्रदेशों में भेजते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये मजदूर, इन्होंने क्या गुनाह किया है? इनका गुनाह यह है कि ये रिक्शा चलाते हैं, इनका गुनाह यह है कि ये किसी के घर में मजदूरी करते हैं, ये गुनाह है। इसकी वजह से आप इनको मरने के लिए छोड़ देंगे? बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद आप उनके घर भेजने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है भाजपा सरकार की, कि आप इन मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रेलवे के पास ट्रेन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बसों का इंतजाम है। आप बताइए, अमित शाह जी का आदेश है, वो कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरीज को, उन्होंने लिखा है बाकायदा कि भाई आप सबको जहां रास्ते में लोग दिखें, ये होम सेक्रेटरी का आदेश है कि जहां रास्ते में लोग दिखें उनको आप उनके घरों तक पहुंचाइए, सेल्टर होम तक पहुंचाइए। कहां हो रहा है इस आदेश का पालन? अगर इस आदेश का पालन केंद्र सरकार के इस आदेश का, गृह मंत्रालय के आदेश का पालन हो रहा है, तो फिर हरियाणा से चलते हुए दृश्य या उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हुए दृश्य या अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा जो हुए हैं, या गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, वो क्यों? अगर ये आदेश हुआ है तो क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश का कोई मतलब नहीं है? क्या राज्य सरकारें बसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है इन लोगों के लिए? तो मैं ऐसे वक्त में सिर्फ इतनी ही अपील, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि कृपा करके इन लोगों को घर भेजने का इंतजाम कीजिए। जिस जिस राज्य में जो लोग जाना चाहते हैं इस वक्त, वो बेचैन है, परेशान है, उनको उनके घर पे क्वारंटाइन कीजिए, या वहां पर कोई टेंट लगा के, कोई सेल्टर होम बना के उनको क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन उनको उनके गृह जनपदों में भेजिए। अन्यथा ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये और भयावह और विकराल रूप